तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं और पेपर की तैयारी जो है आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पेपर जो है स्टार्ट हो गए हैं, कल से होने वाले हैं। इनफैक्ट फाइन आर्ट्स का पेपर है कल सभी बच्चों का। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सबके लिए, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी। फिजिकल का यूनिट 5 जो हमने स्टार्ट करना है, यूनिट का नाम या चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दें आप, तभी फ़ायदा होगा सभी बच्चों को और वीडियो जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो है वो सर्कुलेट होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में भी किया है। नंबर वन इज़ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक बच्चे की जो हड्डियां होती है ना, उसको हम डेवलप करते हैं, मसल्स को डेवलप करते हैं और उसकी एबिलिटी जिससे वो इधर उधर मूव करता है और मैनिपुलेट करता है अपने एनवायरनमेंट को, राइट। मोटर डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव चेंज इन द मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। मोटर मूवमेंट जो होती है, मोटर डेवलपमेंट जो होती है, एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है बच्चे का, उसके थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टूडेंट वो किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। सेकंड इज़ ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब होता है मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग लार्जर मसल्स। जो बड़े मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, कितनी तेज़ी से हो रही है, उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहा जाता है। जैसे कि आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फीट हैं, इन द एंटायर बॉडी दैट इज़ इट इज़ यूज इन वॉकिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। थर्ड इज़ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या है? वो मूवमेंट्स जिसमें छोटे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाथ है, रिस्ट है, फिंगर्स हैं और शोल्डर। शोल्डर जो है वो भी छोटा मसल्स ही मसल जो है उसी में काउंट होता है। बाइसेप है, ये भी छोटा मसल है, बड़ा मसल नहीं है। देन डीफॉर्मिटी, इट इज़ द माल फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट और बॉडी पार्ट और जॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डीफॉर्मिटी का मतलब होता है माल फॉर्मेशन, मतलब सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होना किसी भी कॉम्पोनेंट का और बॉडी पार्ट का या जॉइंट ऑफ द बॉडी, राइट। देन इसके बाद आता है हमारा किफोसिस। किफोसिस क्या होता है? फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ अपर बैक। कि जो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है अपर बैक की, उसको किफोसिस कहा जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा लोडोसिस। लोडोसिस का मतलब क्या है? कि एबनॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का सामने की तरफ, फ्रंट में, ठीक है, उसको लोडोसिस कहा जाता है। देन स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब क्या है? इज़ अ वाइड साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट इन द बिफोर प्यूबर्टी। स्कोलियोसिस इज अ साइड वे कर्वेचर। स्कोलियोसिस जो है वो एक साइड वे कर्वेचर होता है स्पाइन का, जो कि मोस्टली ग्रो करता है स्पर्ट में बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के गिरने से पहले ही ये ग्रो कर लेता है, ठीक है। देन नॉकनीज। इन दिस पोस्टरल डिफॉर्मिटी लेग्स बेंट इनवर्ड एंड नी स्ट्राइक ईच अदर। जो नीज होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, वाइल मेकिंग वॉकिंग और रनिंग। मतलब जब आप भागते हो तो आपस में जो नी टकराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉक नीज, ठीक है जी। इसके बाद फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है? दिस डिफॉर्मिटी द इनर केव कर्व ऑफ द फुट हैज़ बल्ज मोर देन नॉर्मल। जो इनर कर्व होता है पैर का, वो मतलब ज़्यादा बल्ज करता है नॉर्मल से, ठीक है। इन दिस डिफॉल्ट ऑफ फीट पर्सन गिव्स कंप्लीट प्रिंट ऑफ हिज फुट सोल ओवर द प्लेन सरफेस। मतलब इस डिफॉल्ट, पैर के डिफॉल्ट में पर्सन जो है वो कंप्लीट प्रिंट जो है फुट का मतलब सरफेस पे, उसका प्लेन सरफेस पे आता है। देन राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स इज़ ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी। राउंड शोल्डर्स जो होते हैं एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं, जिसमें शोल्डर्स बिकम राउंड, शोल्डर जो है वो गोल हो जाते हैं और समटाइम्स दे सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड, और कई बार ऐसा लगता है कि वो आगे की तरफ झुके हुए हैं। इलेवेंथ इज बो लेग्स। इन दिस डिफॉर्मिटी नीज आर वाइडली अपार्ट। जो नीज होते हैं उनके बीच में गैप जो है वो ज़्यादा होता है। देयर रिमेन्स ए वाइड गैप बिटवीन द नीज। बहुत ज़्यादा गैप होता है नीज के बीच में। व्हेन ए बो लेग्ड पर्सन कीप्स हिज फीट टुगेदर। जब एक बो लेग्ड पर्सन जो है वो अपने पैरों को जोड़ता है, तब नीज में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज साइक्लिक फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज थ्रू द वजाइना ऑफ ब्लड। ये मोस्ट नॉर्मली गर्ल्स में होता है, ठीक है, कि जब एक फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, जो कि बायोलॉजिकल भी है, एंड
मस्कोजल टिश्यू फ्रॉम द नॉन प्रेग्नेंट यूटरस. ठीक है जी, नॉन प्रेग्नेंट यूटरस में ये यूजली डिस्चार्ज होता है. देन मेनार्क, इट रिफर्स टू द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेनार्क का मतलब होता है कि जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेनार्क कहा जाता है. इन द इलीट एथलीट इट इज़ डिलेड बाय फ्यू मंथ्स. जो एथलीट्स होते हैं उनमें ये थोड़ा रुक के थोड़ा लेट आता है. एंड ईयर्स ड्यू टू इंटेंस ट्रेनिंग एंड डाइटिंग. और कई बार तो सालों लग जाते हैं इसको आने में. क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और ज़्यादा डाइटिंग करता है, राइट. देन मेनोपोज, इन ओल्ड एज वुमेन बिटवीन 45 टू 50 मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपोज. ठीक है, 45 से 50 साल की लेडीज जो होती हैं उनमें होता है यूजली, इस स्टेज को कहते हैं मेनोपोज. ठीक है, जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रुक जाता है, राइट. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी. इनमें से कौन सी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है, दैट इज फ्लैट फुट. सेकेंड इज गोमुखा आसन एंड पद्मासन आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी. मतलब ये दो आसन हैं गोमुखा एंड पद्मासन, ये किस डिफॉर्मिटी को, पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए किए जाते हैं, दैट इज नॉक नीज, जब आपके नीज आपस में टकराते हैं. देन थर्ड इज फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन डैश. जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो किस में इन्वॉल्व होती है, कैचिंग अ बॉल. फोर्थ इज इन दिस स्टेज मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग्स. तो इसका मतलब क्या है कि जो मोटर कंट्रोल है दिमाग का वो लेग से पहले हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज, मतलब जब आप पैदा होते हो उस स्टेज में. देन फिफ्थ इज नेम द फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा फैक्टर जो है मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, सेंसरी इम्पेयरमेंट, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. सिक्स्थ इज व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. जो सबसे बड़ा कारण है पुअर पोस्चर का बच्चों में और इन्फेंट्स में, ठीक है, वो क्या है. तो इसका आंसर है माल न्यूट्रिशन. हमारे कंट्री में बच्चों को प्रॉपर फूड न्यूट्रिशनल लेवल उसमें रिच जो है वो नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है. इन विच एज, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एज मेनोपोज टेक्स प्लेस इन वुमेन. तो एक कौन सी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, वो है 45 to 50. देन मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. जो मोटर स्किल्स हैं वो ज़्यादा किस एज में बच्चा सीखता है, किस लेवल ऑफ एज में सीखता है, दैट इज़ चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर 8, गर्ल्स टेम्पररली सरपास बॉयज़ इन फिजिकल डायमेंशन, दैट इज़ हाइट एंड वेट स्पेशली अराउंड. कौन सी एज में लड़कियां जो हैं लड़कों से आगे निकल जाती हैं इन द मैटर ऑफ वेट एंड हाइट ओनली इन मिड एडोलेसेंस. ये बेसिकली टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता. नाइन्थ क्वेश्चन इज कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज. जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसका कारण क्या है. तो इसका कारण है बोथ ए एंड बी, दैट इज बोन मिनरल कंटेंट्स का कम होना एंड इंक्रीज बोन पोरोसिटी. जो बोन की पोरोसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. टेंथ क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ स्टेजेस इन्फेंसी इज ए पीरियड ऑफ. अगर हम ग्रोथ स्टेजेस की बात करें तो इन्फेंसी कौन सा पीरियड है, फास्ट ग्रोथ का. क्वेश्चन नंबर 11 इज कॉज ऑफ अनीमिया इज. अनीमिया की बीमारी किस कारण से होती है, आयरन की कमी से. देन 12th इज कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज इम्प्रॉपर शूज, करेक्ट है. स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी करेक्ट है. थर्ड इज वीक मसल्स, ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. देन पोस्चर इज इंडेक्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है जी. 13th क्वेश्चन इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इज. जो बड़ा कारण है पुअर पोस्चर का बच्चों में वो क्या है, लैक ऑफ एडिक्वेट प्ले एक्टिविटी. बच्चे जो हैं वो मतलब प्रॉपर प्ले एक्टिविटी नहीं करते हैं, खेलते नहीं हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है. देन ऑप्शन में है अ पर्सन हैविंग साइडवे कर्व हैज़ विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी. अगर साइडवे कर्व है तो बच्चे में किस डिफॉर्मिटी का मतलब जन्म होता है, दैट इज कोई स्कोलियोसिस, ठीक है. स्कोलियोसिस जो है ये एक डिफॉर्मिटी है. क्वेश्चन नंबर 14 है वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड, मतलब अगर आप नंगे पैर रेत पे चलते हो और रफ ग्राउंड, हेल्प्स टू करेक्ट विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी. तो आपके जो फ्लैट फीट हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. द नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर डैश, मतलब कितने टाइम पीरियड का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 डेज, ठीक है, मतलब 28 डेज में रिपीट होता है नॉर्मल. क्वेश्चन 16 इज वॉलिंग बेयर फुट और सैंड और राउंड
रफ ग्राउंड हेल्प टू करेक्ट फ्लैट फीट, ठीक है। अगर आप नंगे पैर जमीन मतलब वॉल करते हैं और रफ ग्राउंड पे करते हैं तो ये किस चीज़ को करेक्ट करता है, आपके चपटे पैरों को। क्वेश्चन 17, दिस डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड बैक और हंक बैक, ठीक है। तो ये किफोसिस में होता है नॉर्मली। दिस पोस्चर डिफॉर्मिटी इज अपोजिट टू नॉक नीज, कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो नॉक नीज का बिल्कुल उल्टा है, दैट इज बो लेग। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज कॉज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बेबीज लेग्स इन द वॉम्ब, जो बच्चे की लेग्स हैं वो वॉम्ब में ही उनकी पोजीशन जो है वो होती है ख़राब, वो किन कारणों से होती हैं, बो लेग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड द कमेंसमेंट ऑफ साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन फंक्शनल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईटिंग डिसऑर्डर पर्सन बिंग्स एंड पर्जेस, कौन से ईटिंग डिसऑर्डर में पर्सन जो है वो बिंग्स करता है और पर्जेस करता है, तो इसका आंसर है बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड, जो एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, यूमिनिरोहा, ठीक है, यूमिनियर हियोआ, ठीक है। क्वेश्चन 22, लोडोसिस स्पाइन डिफॉर्मिटीज कैन बी फाउंड इन, जो लोडोसिस स्पाइन डिफॉर्मिटी है वो किन में पाई जाती है, ज़्यादातर अडल्ट मैन एंड वुमेन में, दोनों में, राइट। देन इसके बाद क्वेश्चन 23 है हमारा, पीपल विद डिसऑर्डर में सी देमसेल्व्स एज ओवरवेट इवन व्हेन दे आर डेंजरसली अंडरवेट, मतलब जो लोग हैं विद द डिसऑर्डर जिसमें वो क्या देखते हैं, ओवरवेट, चाहे वो अंडरवेट भी हो इवन देन, तो इसका आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन, मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। क्वेश्चन 25, द परसिस्टेंट पुअर पोस्चर इन एनी एक्टिविटी और सिचुएशन में कॉज डैश, तो ये क्या होता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी। क्वेश्चन 26 है, द मेडिकल नेम फॉर दिस डिफॉर्मिटी इज जेन्यू वेलगम, तो इसका आंसर है नॉक नीस, राइट। 27th इज द मेडिकल नेम फॉर डिफॉर्मिटी इज जेने वेरम, तो इसका मेडिकल नेम क्या है, बोलेक्स, राइट। क्वेश्चन 28 है, एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट द फ्रंट इज कॉल्ड डैश, तो इसका आंसर इज लोडोसिस। दिस कंडीशन ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड कैन रूइन अ फीमेल एथलीट करियर, मतलब ये जो कंडीशन है एक फीमेल एथलीट की लाइफ में उसका करियर ख़राब कर देती है, बिकॉज इट मे लीड टू स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर है, फटाफट चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स, इसमें बच्चे का लार्ज मसल्स जो है वो ग्रो करता है चाइल्ड की बॉडी में, जैसे कि सिटिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, ठीक है। 31, व्हाट आर द फाइन मोटर स्किल्स, इसमें बच्चे के छोटे मसल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको बाइसेप्स हैं, शोल्डर हैं, फिंगर्स हैं, रिस्ट हैं, ठीक है। देन 32nd इज व्हाट डू यू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ मोटर एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, सो बच्चे के जन्म से लेके डेथ तक जो भी उसमें डेवलपमेंट होते हैं उसको मोटर एबिलिटीज कहा जाता है। मोटर डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव चेंज इन मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है। जो मोटर डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव चेंज है बच्चे की लाइफ में, ये लाइफ साइकिल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता रहता है। नॉक नीज क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है जब दो नीज आपस में टकराते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बो लेग्स, ठीक है। देन व्हाट इज फ्लैट फुट, व्हेन द आर्क इज रेस्टिंग ऑन द सपोर्टिंग सरफेस, जब आर्क जो है वो सपोर्टिंग सरफेस पे गिरता है, एंड इफ वन कैन नॉट साइड हिज फिंगर्स अंडर द आर्क ऑफ एन इंडिविजुअल्स फुट, और एक पर्सन जो है कैन नॉट साइड हिज फिंगर, वो अपनी फिंगर्स को साइड नहीं कर पाता अंडर द आर्क ऑफ एन इंडिविजुअल फीट वाइल ही स्टैंडिंग इन हैबिचुअल पोजिशन, मतलब वो नॉर्मल पोजिशन में है खड़ा, जिस पोजिशन में वो नॉर्मली खड़ता है, अ फुट इज सेट टू बी फ्लैट फुट, राइट। वट इज राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर्स क्या है, राउंड शोल्डर्स नोटिंग ए फीवरल्टी पोस्चर, ये एक फीवरल्टी पोस्चर होता है करेक्टराइज बाई हैविंग द शोल्डर बेंट फॉरवर्ड गिविंग अ राउंडेड फॉर्म टू अपर पार्ट ऑफ द बैक, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, वट इज लोडोसिस, लोडोसिस क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नॉर्मल कंकेविटी ऑफ द लूम्बर रीजन ऑफ द स्पाइन, जो लूम्बर रीजन होता है
उसकी जो कनकेविटी होती है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ एन इंक्रीज इन एक्सटेंशन कर्व ऑफ द लूम्बर रीजन, ठीक है, बियॉन्ड नॉर्मल रीजन, मतलब नॉर्मल रीजन से वो बढ़ जाती है, इट इज़ एन इनवर्ड कर्वेचर, मतलब ये एक इनवर्ड कर्वेचर है स्पाइन का, विद प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन रिजल्टिंग इन होलो बैक, राइट। तो ये यूनिट 5 था आपका, ठीक है। यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 आपको कल मिल जाएंगे तीनों। आज मैं अकाउंटेंसी की वीडियोज़ और साथ में बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोज़ जो आपको प्रोवाइड करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।